देखिए कि प्यारे साथियों, अभी अभी की बहुत बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर इतिहास में पहली बार आ चुका है मदरसा बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, मदरसा बोर्ड के तलबा के लिए। देखिए कि फिलहाल जितने भी स्टूडेंट मदरसा बोर्ड बहाली के इंतज़ार में बैठे हुए थे या फिर नहीं भी थे, तो दोनों के लिए वीडियोस होने के लिए जा रही हैं। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये उर्दू शिक्षक है और भी बहुत सारी चीज़ों की इसमें बहाली होगी और हाफिज़ और मौलवी का भी पद इसमें दिया गया है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये वैकेंसी निकाली गई है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। ऐसा क्या कहते हैं, इतिहास में पहली बार हो रहा है मदरसा बोर्ड में जो कि इस तरह से पारदर्शी तरीके से बहाली आ रही है। ठीक है, आ गई है। आपको इस वीडियोस में टोटल ऑलरेडी हर चीज़ की हम जानकारी देंगे। वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कहां पर करना है, कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं, वो सभी चीज़ वीडियोज़ को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको हम समझाने के लिए आ गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कि प्यारे साथियों, ये आज के पेपर में क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन शाया हुआ है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के सचिव अब्दुल सलाम अंसारी जी ने कहा है कि जून में नए अध्यक्ष आने के बाद जुलाई में 1128 मदरसों में जितने भी सीट खाली हैं उस पर नियमावली 2022 अधिनियम 2024 के तहत बहाली की जाएगी। इसका क्या मतलब है, समझने की कोशिश कीजिए। अब मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन वगैरह थे वो सभी अब ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि नया संशोधन किया गया है। ठीक है, एक्ट 2022 और 24 आया हुआ है, इसमें वो सभी चीज़ जो चेयरमैन या फिर क्या कहते हैं कमेटी के थ्रू जो बहाली वगैरह आई करती थी वो सब चले गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि इसमें जो बहाली की प्रक्रिया है वो कैसे होगी। सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि जिसको DEO कहा जाता है, कार्यालय में ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन जमा किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जितने भी अपने बिहार के अंदर मदारिस चल रहे हैं, 1128 मदारिस चल रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर जितने भी सीट खाली हैं उनमें जो बहाली आई हुई है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस होता है एक ज़िला के अंदर, उसमें जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे अच्छी बात है कि कोई भी परीक्षा आपका नहीं होगा, बिना परीक्षा का आपका इसमें सिलेक्शन होगा। मूल्यांकन जो है अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, यानी कि जिस तरह अगर फोकानिया लेवल का कोई सीट होगा तो फोकानिया में आपको कितना मार्क है उस हिसाब से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, या फिर मौलवी में कितना मार्क है तो उस हिसाब से परसेंटेज बनेगा, उनके बाद आपका सिलेक्शन होगा। बहाली में मदरसा के सचिव और सदर एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी चयन करेंगे। ठीक है, वो वाला अब सिस्टम खत्म हो गया, वो कमेटी वाला। अब जो इसमें आपका चयन करेगा वो मदरसा के सचिव यानी चेयरमैन भी नहीं, जो सचिव बनेंगे वो, और सदर जो मदरसा के मदरसा बोर्ड के सदर होंगे वो, और जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे वो। ठीक है, हाफिज पद की योग्यता हाफिज मौलवी के किए हुए ही योग्य होंगे। यानी कि प्यारे साथियों, यहाँ पर देखेंगे सबसे अच्छी बात है कि कम से कम अगर आप मौलवी भी पास हैं, हाफिज के लिए फोकानिया लेवल का होगा, अगर आप फोकानिया या फिर मौलवी भी पास हैं तो यहाँ पर यह मान्य होगा। ठीक है, सारे शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन कार्यालय से होने के बाद बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना भेजा जाएगा, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट आप जमा कीजिएगा जाकर के जिला कार्यालय यानी एजुकेशन विभाग में, वो सभी डॉक्यूमेंट को आपका भेजा जाएगा पटना ऑफिस। ठीक है, और नियुक्ति पत्र मिलेगा। ठीक है, 1646 मदरसों की फाइल न्यू अध्यक्ष के आने के बाद सचिवालय में सारी फाइल को भेज दिया जाएगा। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का कार्यालय अपनी पुरानी जगह क्या कहते हैं विद्यापति मार्ग 5 में आ गया है। यानी कि अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, ये बहाली से रिलेटेड और जानकारी आपको हम देते हैं। कहा गया है ये देखिए कि जून में मदरसा बोर्ड के नए अध्यक्ष आने की संभावना, यानी कि मदरसा बोर्ड का जो नया अध्यक्ष बनेगा वो जून में बनेगा, यानी अभी जो चेयरमैन बने हुए थे उनको हटा दिया गया, अब न्यू कानून न्यू सिस्टम तरीके से हर चीज़ होगा, तो जून तक में आ जाएंगे मदरसा बोर्ड के नए अध्यक्ष। ठीक है, उनके बाद ये जो बहाली की प्रक्रिया होगी आपकी, वो 1128 मदरसे में टोटल जितना भी सीट होगा उनको देखा जाएगा कि किन किन पद के लिए कौन से मदरसा में सीट खाली है, उनके बाद वो टोटल पोस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद पोस्ट होने के बाद हर ज़िला वाइज ये वैकेंसी निकाली जाएगी कि इस ज़िला में इस सीट पर बहाली निकाली गई और इतने पदों के लिए, तो उनके बाद अप्लाई जो होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा आप लोगों का, आपके ज़िला में ही एजुकेशन ऑफिस में जहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट का सत्यापन होगा यानी कि वेरीफिकेशन, उनके बाद फिर आपका इसमें जॉब लगेगा। ठीक है, तो चैनल को प्लीज़ खुदा के वास्ते ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी नोटिफिकेशन जो आर्टिकल हुआ करता है
बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं चल पाता है, तो जो इनके हकदार होते हैं उनको नहीं मिल पाता है, जो नहीं हो पाते हैं, जो चालू तेज तरार एनी टाइम हवा वक्त लगे रहते हैं तो उनको मिल जाता है। तो लगे रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा अप्लाई वाला, ठीक है, अभी तो नोटिस आया है ये क्या कहते हैं बोर्ड की ओर से, सचिवालय की ओर से, कि इस तरह बहाली लेंगे, और अप्लाई का डेट आएगा तो आपको फ़ौरन वीडियोज़ बना करके देंगे। तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी L2 भैया। तो आज के इस वीडियोज़ को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।